देखिए, हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स, और आज हम करा रहे हैं एक्सरसाइज आपको 5.7.5। ठीक है, ये HCF और LCM के ऊपर ही एक्सरसाइज है। जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो उन फॉर्मूलों पर ये एक्सरसाइज है। तो पेज नंबर नोट कर लीजिए, निकाल लीजिए बुक में, 93 पेज है। तो 93 पेज पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं 1, तो 7.5 तो आसान से क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे जिसको आप खुद से करोगे। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, यानी स्टेटमेंट हमको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला है ए पार्ट कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर HCF एंड LCM, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नंबर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ HCM एंड LCM। सम के इक्वल नहीं होती, होती है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, फॉल्स है ये। बी पार्ट इसका द टू को प्राइम नंबर द LCM इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, द को प्राइम नंबर ऑफ LCM इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि को प्राइम नंबर जो होते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, इसलिए उनकी उनके प्रोडक्ट के इक्वल ही उसका LCM होता है। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड LCF, थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट इसका द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड LCF ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारा ट्रू है। जो हमारा फॉर्मूला कहता है कि दो नंबर्स का LCM और HCF उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर टू, टू में हमको सॉल्व करना है कि सो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि हमको इसमें दो दो नंबर दिए हुए हैं और उन दो दो नंबर्स का हमको HCF LCM फाइंड करना है, उसके बाद उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं ए, जैसे 48 और 60 ये हमारे दो नंबर हैं, इन दोनों का LCM और HCF फाइंड कीजिए, उसके बाद उस फॉर्मूले को वेरीफाई कीजिए। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, तो 2 या 4, 4 या 8, और फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम करेंगे 60, तो 2 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख लेते हैं, इनके फैक्टरों को लिख लेते हैं। तो 48 इज इक्वल टू, 48 में देखेंगे 2 यानी 4 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है, यानी 4 टाइम 2, तो 4 टाइम 2 लिख लीजिए और 1 टाइम 3। इसके बाद हम 60 को देखते हैं, 60 में है 2 टाइम 1 टाइम 3, 1 टाइम 5, यानी दो बार तो 2 लिख दीजिए और एक बार 3 लिखिए, एक बार 5 लिखिए, ये इनके हो गए फैक्टर। अब हम निकालते हैं इसमें क्या HCF, HCF आपको बताया था कि कॉमन जो होते हैं, तो देखिए 2 कॉमन है, दूसरा वाला 2 भी कॉमन है, एक 3 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हो गया 4, 2, 3, 6, 12, तो 12 क्या बोलेंगे इसका हम HCF। अब हम निकालते हैं इसका LCM, LCM निकालने के लिए बताया था कि किसी भी एक नंबर के सारे फैक्टर लिख लो, तो हम 48 के सारे फैक्टर लिख लेते हैं। तो जितने भी फैक्टर हैं 48 में वो सारे हमने लिख लिए, उसके बाद दूसरे वाले नंबर के वो फैक्टर लिखो जो उसमें नहीं है। तो 2 उसमें है, दूसरा 2 भी उसमें है, 3 भी उसमें है, 5 उसमें नहीं है, तो केवल और केवल 5 लिखा जाएगा। तो यहाँ तक की जो पहले स्टार्टिंग तक की मल्टीप्लाई है ये तो कितनी हो गई, 48 हो गई, और इसमें 5 की मल्टीप्लाई हम और कर देंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 8 जा 40, और 5, 4 जा 20, शायद 2240 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे LCM। तो LCM हमारा ये हो गया, HCF हम पहले निकाल चुके 12, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM है 240 और ये है 12, और प्रोडक्ट हो जाएगी 48 और दूसरा था
60। अब आप देखोगे जो लेफ्ट साइड आएगी वो ही राइट साइड होगी, तो 1200 12 फोर जा 48, 4 12 टू जा 24, 24 और 4 28। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये ही आएगा, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई मतलब हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव हम कर चुके। तो सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चनों को करना है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एक पीछे भी एग्जांपल भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चनों को हम इसके इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है यूजिंग HCF फाइंड द LCM। देखिए इसके लिए भी क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन 3 के लिए, यूजिंग HCF फाइंड LCM। इसके लिए आप देखिए करना है आपको एग्जांपल 93 पेज पर, तो इसके लिए आप एग्जांपल देख लें, वैसे आसान है, पेज नंबर है 93 पेज पर एग्जांपल है कि यूज HCF फाइंड LCM ऑफ 27 और 36। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले HCF फाइंड किया है, और फिर HCF फाइंड करने के बाद उन्होंने फॉर्मूला लगाया LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उसके बाद LCM निकालने के लिए उन दोनों को नंबर्स को HCF से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 108। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एग्जांपल करें, इसको फॉलो करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं। देखिए खुद से क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं सारे सॉल्यूशन दूंगा तो फिर आप केवल कॉपी करोगे बस, तो इसलिए आप कुछ क्वेश्चनों को खुद करो क्योंकि कॉन्सेप्ट आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1215। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमने दो नंबर मान लिए इतने, तो 1215 प्रोडक्ट हो गई। इसके बाद HCF हमको दिया है 9, हमसे पूछा है LCM हमको बताइए, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A इंटू B, हमको निकालना था LCM, तो हम क्या करेंगे A इंटू बी अपॉन HCF। अब A इंटू बी, A और B की प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी इन्होंने दिया है, और ये हो गया 9। अब क्या करना है आपको, इसको केवल और केवल 9 से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा LCM। तो डिवाइड करके खुद से लिखना 9 से कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बुक में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, देयर LCM इज ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा आप सेम करिए क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 7 देखिए, 7 में दिया है LCM और HCF ऑफ टू नंबर, दोनों की गिवन है, वन ऑफ द नंबर इज इतने और अदर बताइए, यानी आपको क्या दिया हुआ है इसमें, HCF गिवन है, HCF आपका 173 और LCM गिवन है 6055, उनमें से एक नंबर गिवन है, वन ऑफ द नंबर इज 1211, आपसे बी नंबर पूछा यानी दूसरा नंबर पूछा है, तो आप सिंपल निकाल लेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि इसको भी आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको करा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, द प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF की वैल्यू है, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM जो है 119 के इक्वल है, फाइंड द नंबर ऑफ, नंबर हमको फाइंड करने हैं इफ़ वन ऑफ द नंबर इज नॉट वन, यानी उनमें से कोई भी नंबर वन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के करेंगे हम फैक्टर, तो 119 के हम फैक्टर करते हैं, तो 119 के फैक्टर करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 बचे 4, 7 7 जा 49, फिर 17, फिर प्राइम नंबर है 1, तो 119 के फैक्टर हो गए 1 × 7 × 19, तो 119 हमको क्या दिया हुआ है, ये है LCM और HCF की मल्टीप्लाई, और LCM और HCF की मल्टीप्लाई जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हमारे ये आ गए, तो ये LCM और HCF है, ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि LCM मल्टीप्लाई
एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी दो नंबर। तो दो नंबर हम इनमें से कौन से ले सकते हैं, एक तो दो नंबर हम ये ले सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 7 की मल्टीप्लाई 7 और एक हो गया 19, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर 119 मिलेगा। तो हमारा एक नंबर क्या है, एक नंबर है हमारा 7 और दूसरा नंबर है हमारा 19, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। 7.6 आज के लिए इतना ही है।